बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं भाग 8 विषय हिंदी पार्ट 20 पढ़ा जा रही। पार्ट 20 का नाम है झांसी की रानी। इस पार्ट का पहला पंक्ति कविता और उसका अर्थ लिखा चुकी और उसके नीचे वाला पंक्ति कविता मैं लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का किताब नहीं है इसलिए आप लोग इसे लिखिए।
यह कविता है और उसका अर्थ मैं लिख दी एक बार पढ़े ध्यान से सुनिए। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बालों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका अर्थ है सन 1857 में भारतवासी की पुरानी तलवार चमक उठी और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। कवित्री कहती है कि हमने कवित्री कहती कि हमने बुंदेलखंड के भाटों से यह कहानी सुनी थी, झांसी की रानी वीर मंडू की तरह अंग्रेजों के विरुद्ध खूब लड़ी थी। कवित्री उस समय उनका नहीं नहीं हुआ था, आपको नहीं देखी थी, जो वहाँ के जो लोग देखे हुए थे उनसे बैठकर उन्होंने वह कहानी झांसी की रानी की सुनी थी, उसी पर उन्होंने यह कविता लिखी है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली मर्दों की तरह एक औरत होगा, जिस तरह आज सब लड़कियाँ जो है हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, सैनिक में कहीं हवाई जहाज पायलट बन रही हैं, लड़ाई सेना में जा रही हैं, उसी तरह उस समय भी झांसी की रानी जो थी बहुत ही बहादुर स्त्री थी और मर्दों की तरह लड़ाई करती थी और सब अंग्रेजों को हार अंग्रेजों की छक्का छोड़ा दी। यह बात कब है, 1857 ईस्वी की बात है, इसीलिए कवित्री कहती है खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। इस कविता का इसका कविता प्लस इसका अर्थ दोनों लिखती हूँ, कविता लिख लीजिए और इसका अर्थ लिख लीजिए और याद करते चलिएगा, खूब मन लगा के पढ़िए, जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ उसके एक एक पार्ट पढ़ते चलिए। आज का वीडियो इतने ओके, धन्यवाद।